Hey guys, good afternoon. Welcome back to a new vlog and welcome back to my channel. Today is 29th of May और मैंने last shoot किया था cyclone के दिन 26th of May. उस दिन तो कुछ भी नहीं हुआ था but 27th May there was heavy rainfall with severe lightning. दोपहर से रात तक कंटिन्यूसली बारिश चला है और उसके बाद बस नेक्स्ट दिन से ही आसमान बिल्कुल क्लियर, बाहर धूप जैसे था वैसे, तो थोड़ा सा भी रिलीफ नहीं मिला. एक दिन जिस दिन बारिश हुआ था वेदर थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था, उसके बाद फिर से वही 43, 42, 45 वैसे ही चल रहा है. पसीना पसीना हो रही हूँ. अभी मैं आई हूँ सेकेंड टाइम शार लेके. अभी हम करेंगे लंच, उससे पहले एक बार मिला देती हूँ बच्चों से. मम्मा मैं शार लेने गई थी, फ्लरी यहाँ पे बैठी है. कुछ बच्चा एक बार हेलो बोल जाओ, तो सबाई के हेलो बोले जाओ. हेलो हेलो एवरीवन, हेलो बोले जाओ मम्मा. हेलो क्यों क्यों, हेलो क्यों क्यों, क्यों 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 क्या आ. हेलो ऑलवेज ऑन फोन, क्या करते हो तुम फोन पे. सेकेंड टाइम शार लेने का रीज़न है, सुबह में ऑलरेडी शार लेके एक बार बिल्कुल रेडी हो गई थी. उसके बाद मैंने आज किया है मेरे किचन ऑर्गेनाइजेशन. वो ऑर्गेनाइजेशन करते करते इतना पसीना पसीना हो गई, उसके बाद राइस बनाते बनाते, तो सेकेंड टाइम शार लेके अभी आई हूँ. कुछ है बहुत कुछ खाने के लिए, आज बहुत कुछ है. मैं डेमो दे देता हूँ इसका. ठीक है ये देखो, अभी आइए खाली एम्प्टी प्लेट. एम्प्टी प्लेट में जाएगा इधर से आया हुआ राइस, उसके साथ जाएगा यहाँ पे बनाया हुआ मूंग दाल. बहुत ही बढ़िया बना हुआ मूंग दाल. ऊपर डाल है, ऊपर पानी है, ये पानी है, नीचे डाल है. अच्छा मतलब ये सरकास्टिक था. नहीं अच्छा है. ये है फ्रायम्स और इसके साथ है ये काजली फिश. दिस इज़ अ वेरी स्मॉल साइज पीस फिश होता है, बहुत टेस्टी होता है. और उसके साथ है देसी टेंगरा फिश, उसका करी. आज बहुत ही ग्रैंड खाना है और इस खाने के लिए मैं बहुत ही क्या बोलते हैं, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर. तो ये है, देखो मैं नया बोल ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ. आज पहली बार इसको यूज़ कर रही हूँ. ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए वेट कर रही थी कि उसके बाद यूज़ करूँगी. तो जब तक हम खाना खाते हैं तब तक आप लोग देख लो कि मैंने अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज किया है. उसके बाद फिर से आके बच्चों से मिलाती हूँ अच्छे से और मैं भी आप लोगों से बात करती हूँ. तो ये है फिलहाल मेरे किचन, ऐसे दिखता है. तो ये जो सारे जगह है फ्रिज के ऊपर, ये जगह मुझे ये सबको थोड़ा सा अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. फ्रिज के ऊपर इतनी सारी चीज़ें रखना सही भी नहीं है और देखने में भी बहुत क्लमज़ी लगता है. इन माई हॉल वीडियो किचन डेकोर हॉल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आज मैं जितना भी प्रोडक्ट सिखाऊंगी वो सारे प्रोडक्ट्स को मैंने एक अलग सेपरेट हॉल बनाया है. तो आप उस वीडियो में जाओगे तो सारे प्रोडक्ट्स का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा. और दूसरी बात है कि मैंने कहा था कुछ चीज़ें मैंने पहले ले लिया था जो ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही हूँ, वो सब आपको एक बार फटाफट दिखा देती हूँ. एक है दिस वॉल हैंगिंग, इट्स अ वेरी क्यूट वन. एक बॉटल की तरह कटआउट है और जिसमें लिखा है द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज ऑलवेज लव. एंड दैट इज व्हाट आई ऑल्सो बिलीव दैट वेर एवर यू कुक द सीक्रेट इंग्रेडिएंट दैट यू पुट इज लव. एंड अमाउंट ऑफ दैट एक्चुअली डिटरमाइंस कि फूड टेस्टी होगा कि नहीं. एनीवेज यहाँ पे है और एक रैक. मैंने एक कॉर्नर रैक शेयर किया था हॉल में, बट ये और एक रैक है जो बहुत लाइट वेट है. ये भी रॉट आयरन का ही है, वाइट कलर में. ये मैंने लिया था, इसमें मैं नमक हल्दी किचन टॉवल रोल और ये मैंने नया लिया है. इसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, बंगाली में भी कॉल इट हमन दिस्ता. यहाँ पे ऑयल जार्स, दीज ऑयल जार्स आर रियली रियली ग्रेट. ग्लास का है ये, बिल्कुल प्लास्टिक का नहीं है. ये पोर्शन स्टील का है, बहुत अच्छे से एक बार साबुन से धो लोगे गर्म पानी से क्लीन हो जाता है. तो दीज आर वेरी हैंडी, 250 ml का है, तो ज़्यादा हैवी नहीं है, रेगुलर यूज के लिए काफ़ी हैंडी है. एक में मैं रिफाइंड ऑयल रखती हूँ और दूसरे में मैं रखती हूँ मस्टर्ड ऑयल, जो हमारे बंगाली किचन का एसेंशियल है. तो ये सारे सेरेमिक जार्स और ये जो ऑयल जार्स है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी परचेज लिंक. और ये है वो इंडोर प्लांट, ये भी मैंने ऑनलाइन लिया था. मैंने एक्चुअली 4 ऑनलाइन प्लांट लिया था, एक बिल्कुल टूटा फूटा आया था, बाकी के 3 बिल्कुल सही कंडीशन में आया था. एक यहाँ पे है, एक मैंने वॉशरूम में रखा है, तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आता है. ये सारी चीजों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. तो सबसे पहले जो भी रैक्स मैंने लिया है उसको प्लेस कर लेते हैं जहाँ पे मैं प्लेस करना चाहती हूँ, उसके बाद रैक्स को ऑर्गेनाइज करूंगी. ये सब अंदर चला जाएगा कॉर्नर में, इसको रखने के लिए यूज करूंगी. बिल्कुल फिट आया ना अच्छे से. और ये जो मैंने आपसे शेयर किया था अंडर कैबिनेट शेल्फ या स्टोरेज बास्केट, आप कुछ भी बोल सकते हो. तो कोई भी आपके पास जो ऐसे मॉड्यूलर किचन में कैबिनेट्स होता है
उसमें बस आप इसको एडजस्ट कर लो एंड देन यू पुश इट इनसाइड, तो ये ऐसे ड्रॉयर्स की तरह रहेगा। तो ये आपके कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं करेगा किचन में, बट एक अच्छा कॉम्पैक्ट स्टोरेज के लिए आपको स्पेस भी मिल जाएगा। इस रैक को यूज करने का प्लान फिलहाल ये है कि मैंने जो भी सर्ववेयर्स लिया है वो मेरे हाथ के पास रहे, क्योंकि कांच के बर्तन ऐसे कैबिनेट से निकालने में मुझे डर लगता है कि टूट ना जाए। और मैं ज़्यादातर कोशिश कर रही हूँ कि जितना कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करूँ। प्लास्टिक के जो भी बोल्स या कंटेनर्स मेरे पास है वो सब पहले से इस घर में था, और वो मैं कुछ गर्म खाना रखने के लिए या खाना गर्म करने के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। वो बस कोई सब्जी कट करके रखने के लिए या चावल धोने के लिए, ऐसे कामों में मैं यूज़ करती हूँ। सबसे नीचे वाला जो रैक है इसमें मैं प्लेस कर दूँ मेरे मसाले के डिब्बे। One eternity later. शूटिंग करते करते बीच में थोड़ा सा रुक गई थी क्योंकि कंफ्यूज हो गई थी कौन सा चीज कहाँ पे रखूं। ज्यादा सुंदर दिखे उससे ज्यादा मेरे लिए फिलहाल इम्पोर्टेंट है कि किचन फंक्शनल रहे, जरूरत की चीजें हाथ के सामने रहे। तो इस रैक को मैंने यूज किया है जहाँ पे मैंने ऊपर रखा है हमारे रेगुलर यूज के लिए ये मग्स, इसी में हम अभी चाय पियेंगे। ये मैंने नया लिया है एक पानी का बॉटल। और यहाँ पे मैंने रखा है एक आर्टिफिशियल प्लांट, ये भी मैंने शेयर किया था, मैं अमेजोन से ली थी। और ये सारे सेरेमिक जार्स एंड सॉल्ट, टर्मरिक एंड दो टाइप के ऑयल, ये मैंने नीचे के रैक में शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पे जहाँ पे आप रखते हो ना, ये ग्लास भी अनइवन ग्लास है, इसको क्लीन करना बहुत आसान है। थोड़ा सा भी स्कॉच ब्राइट से आप पीस दोगे पूरा उसका ऑयलीनेस चला जाता है, हल्दी का दाग भी नहीं पकड़ता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। और ये जो कॉर्नर रैक्स है यहाँ पे मैंने पहले रखा है ये सर्ववेयर्स, जो मैंने नया लिया है, जो मेरे पास था वो मैंने एक साथ स्टैक करके रखा है। इसके नीचे मैंने मेरे स्टेनलेस स्टील के सर्ववेयर रखा है, और ये है मसाले के डिब्बे, बहुत ज़रूरत की चीज़ है। और यहाँ पे मैंने वो मसाला क्रशर जो है वो रख दिया है। इसका मैंने यहाँ पोजीशन चेंज नहीं किया है क्योंकि इसको यहाँ पे अच्छे से लाइट मिलता है, तो इसलिए मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया है। अभी आ जाते हैं गैस के इस साइड में जहाँ पे मैंने रख दिया है शुगर और टी। ये एक मैं यूज करती हूँ, इसको शायद मैं चेंज करूंगी जिसमें मैं रेगुलर की ये पीलर वीलर ये सब रखती हूँ। ये मैंने लिया था स्पेंसर से, इसमें फ्लरी और कियारा के बोल्स रखे हैं। इसमें क्या होगा कि पानी भी अच्छे से झड़ जाएगा जब धो के रखेंगे। ये कुछ क्लिप्स है जिससे मैं जब भी कोई मसाले का पैकेट ओपन हो जाते हैं, बिस्किट का पैकेट, उसको अच्छे से एयर टाइट करके बंद कर सकती हूँ। ये भी आपको स्पेंसर में मिल जाएगा, अमेजोन में भी मिलेगा। इसमें फ्लरी और कियारा के बोल्स रखे हैं। इसमें क्या होगा कि पानी भी अच्छे से झड़ जाएगा जब धो के रखेंगे। ये कुछ क्लिप्स है जिससे मैं जब भी कोई मसाले का पैकेट ओपन हो जाते हैं, बिस्किट का पैकेट, उसको अच्छे से एयर टाइट करके बंद कर सकती हूँ। ये भी आपको स्पेंसर में मिल जाएगा, अमेजोन में भी मिलेगा। मुझे लिंक मिलेगा तो मैं डालूंगी। लाइटर और ये वाले डब्बे में मैं कुछ रबर बैंड स्टोर करती हूँ वो, और ये है किचन टॉवल रोल। और यहाँ पे कुछ और रखूंगी, देखूंगी वो बाद में क्या रखते हैं। पर बिल्कुल अभी खाली हो गया है जैसे हमें चाहिए था। मुझे फ्रिज के ऊपर चीजें स्टैक करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अभी मुझे अगर कुछ अच्छा मिलता है डेकोरेशन के लिए, डेकोरेटिव आइटम, तो मैं रख सकती हूँ। और बाकी के यहाँ पे जो भी था, जो हमारे स्टॉक है टिश्यू का या एल्यूमिनियम फॉइल, ये सब अभी ऊपर ही है। और फ्लरी क्यारा का खाना भी दीपांजलि ने बोला कि वो भी तुम ऊपर ही रख दो, तो फ्रिज का हीट नहीं मिलेगा उसको। तो ऐसे फिलहाल हमने पूरा इस काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज किया है। डबल साइडेड टेप वाला हुक्स आता है वो यूज करके यहाँ पे मैं हैंग करती हूँ मेरे किचन के जो एप्रॉन है, जो थोड़ा गंदा है, साफ करना पड़ेगा।
और ये वॉल हैंगिंग, ये भी हमने स्पेंसर से लिया है, बट इसका बेटर वर्जन भी मिलते हैं अमेज़न में। हाँ, वो वाला अमेज़न का है, वो जो वहाँ पे जो आपको दिखेगा वो ज्यादा वेट कैरी कर सकता है, ज्यादा हार्डी है, उसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ले सकते हैं। अगर रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो तो हमेशा वॉल को ड्रिल करना अलाउड नहीं होता है, तब ये सब चीजें बहुत काम आता है। इसको हम सेट करेंगे कमेंट के इस स्ट्रिप से, इसे वॉल में कुछ भी डैमेजेस नहीं होता है, कोई दाग भी नहीं रहता है, बाद में आप निकालना चाहते हो तो निकालना भी बहुत आसान है। के ऊपर ये वाला सेक्शन बैठ जाएगा जो कि अभी आप देखोगे, बट जब इसको उतारना भी है तो इसको यहाँ से ऐसे खींच के बाहर लाना है, और ये जो देख रहे हो 3M वाले, इसको अगर ऐसे नीचे की तरफ खींचोगे तो ये वॉल से उठ के बाहर आ जाएगा। इट्स दैट सिंपल। ये और एक चीज जो टॉवल हैंग करने के लिए, अगर आप किचन टॉवल्स यूज करते हो तो उसको हैंग करने के लिए, ये भी कैबिनेट के ऊपर ही बिल्कुल सेट हो जाता है। ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसका क्वालिटी बहुत खास तो नहीं है, बट हाँ काम चल रहा है उतना ही है। तो फिलहाल ऐसे लग रहा है मेरा काउंटर टॉप मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया, कुछ चीज़ें हाथों के सामने बिल्कुल मिल गया है। और आप लोग भी बताना और कोई आइडिया आपके पास है, मैं कुछ कर सकती हूँ तो कि नहीं। मैं थोड़ा सा जगह भी खाली रखना चाहती हूँ जहाँ पे चॉपिंग सब कुछ करूँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा काउंटर टॉप तो है नहीं, आप देख ही सकते हो। Everything is great inside this narrow maze. Everything has lost its taste. दही पी के दोनों का क्यों, एक बार अपना फेस दिखाओ। Look at किया उसका बहुत मजा आया है, उसका बोल थोड़ा सा डीप है तो, और फेस छोटा है तो जब भी खाने की कोशिश करती है वो पीने की, मैं एकदम डाइल्यूट करके पतला करके देती हूँ तो उसका कान नाक सब डूब जाता है, तो उसके बाद इसलिए मैं हमने उसको प्लेट में दिया था, फ्लैट प्लेट में, बट हालत देखो हाँ, साफ करने के बाद भी यह हालत। ये तो वे गुड वाली फ्लरी बहुत क्लीन पीती है, बहुत क्लीन। अभी हम कहाँ जाएंगे? एसी रूम घुनू, एसी रूम में चलो, चलो एसी रूम, मामा एसी रूम में चलो, चलो एसी रूम में चलो, कोथा एसी रूम, कोथा है, जाओ एसी रूम में, चलो जाओ एसी रूम में गिए घुमाओ, जाओ चलो जाओ, कि क्यों एसी रूम में चलो, जाओ एसी रूम में गिए घुमाओ, जाओ एसी रूम में चलो जाओ, जाओ एसी रूम में जाओ, जाओ जाओ किया रे, जाओ एसी रूम में चलो, जाओ जाओ एसी रूम में जाओ, जाओ एसी रूम में जाओ, जाओ चलो एसी रूम, वो जाओ जाओ एसी रूम में जाओ, वो एसी रूम में चलो जाओ। वेरी गुड गर्ल मामा, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, घूमे पड़ो, हाँ घूमे पड़ो, सब पता है कहाँ पे सोना है, क्या करना है, उठो मामा उठो उठो। ये सब बारे में दोनों को सब कुछ पता होता है, कहाँ पे सोना है, क्या करना है, बट इतना सारा दही पिया है, अभी पहले सुसु करवाना पड़ेगा, फिर से लाने लेके जाऊंगी। Today's dinner was just yum. अभी time हो रहा है 1 o'clock, 1 AM, और दोनों को यहाँ AC room में भेज के, क्योंकि they both were feeling sleepy. हम लोग देख रहे थे एक series Sony Leaf पे, we watching Maharani. अच्छा series है, good political drama. तो अच्छा लगा,
वही ख़त्म करके फिर अभी हम आ गए हैं सोने, और इस वीडियो को भी यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा किचन ऑर्गेनाइजेशन और आज के ब्लॉग में मैंने जो भी शेयर किया अच्छा लगा। अगर लगा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, योर फैरी बेबीज अराउंड। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे पॉसम। बाय बाय।